हेलो स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर संजीव गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सृष्टि रातिबड़ भोपाल। आई एम कंटिन्यू विद यू विद लेक्चर 4, विच आर डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री लेयर थ्योरी। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड अबाउट द मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन वी डिराइव्ड एंड फाइंड द वैल्यू। मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स टोटली बेस्ड ऑन द डेरिवेशन। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यूमेरिकल्स ऑफ ए मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, फर्स्ट यू विल सॉल्व या डिराइव 3 to 4 टाइम्स ऑफ मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशंस। आफ्टर दैट देन यू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। दैट हियर वी हैव ए क्वेश्चंस that if velocity profile the laminar boundary layer flows given as small u upon capital U equal to 2 into bi upon delta minus bi upon delta ka whole square. Aur mein find karna hai, find an expression for boundary layer thickness delta in the form of delta shear stress that is tau naught, the coefficient of drag small d in terms of Reynolds number. Students, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के सबसे अच्छा तरीका होता है उस क्वेश्चन को बार बार पढ़े। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के बाद जब हमें यह क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में गिवेन डाटा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, तो ऑलमोस्ट वी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स वेरी इजी एंड वेरी विथ कंफर्टेबल। इस क्वेश्चन में गिवेन डाटा दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इक्वल टू 2 इनटू बाय अपॉन डेल्टा माइनस बाय अपॉन डेल्टा का होल स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री लेयर थिकनेस इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू शियर स्ट्रेस दैट टाउ नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग दैट इज सीडी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। इस पूरे न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूला मोस्टली यूज होगा, आई हैव रिटेन। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूमेरिकल में सारा चीज क्लियर हो जाए कि आपको फाइंड क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप कोशिश करिए पहले पेज में लिखिए जैसे मैंने इस न्यूमेरिकल में किया हुआ है, दैट इज टाउ नॉट अपॉन रो कैपिटल यू स्क्वायर इक्वल डेल थीटा अपॉन एक्स या थीटा दैट इज मोमेंटम थिकनेस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू वन स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू डीवाई। हियर वी मेंशन शियर स्ट्रेस वैल्यू हमने मेंशन किया हुआ है टाउ नॉट इक्वल टू म्यू यू अपॉन डेल्टा, ये वैल्यू डिपेंड्स करती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू की वैल्यू चेंज में टाउ नॉट की वैल्यू भी आपकी चेंज होगी। एफ डी दैट इज ड्रैग फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एल टाउ नॉट बी इंटू डी एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दैट एफ डी दैट इज ड्रैग फोर्स वन अपॉन टू रो ए कैपिटल यू स्क्वायर एंड रेनॉल्ड्स नंबर रो यू एक्स अपॉन म्यू। We can also write Reynolds number ux upon nu, nu that is kinematic viscosity and rho that density, mu that is dynamic viscosity. As you have seen that the equation number 1, after putting the value of momentum equation, this becomes equation the tau naught upon rho square del upon del x integration of 0 to delta small u upon capital U into 1 minus small u upon capital U into d by. Putting the value of small u upon capital U as already given in questions, after putting the value of small u upon capital U and solving, we find that del upon del x 0 to integration of 0 to delta 2 by upon delta minus by square upon del square into 1 minus 2 by upon delta plus by square upon delta square into d by. Now multiplying the both the values were given in brackets, after multiplying and integrating and putting the value of limits, then we find that del upon del x 2 delta upon 15 or 2 upon 15 delta upon del x into delta. Therefore, tau not equal to rho u square 2 upon 15 del upon del x into delta 2 upon 15 rho u square del into delta upon
डेल एक्स, दैट इक्वेशन नंबर टू। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट शियर स्ट्रेस टाउन आर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू इनटू डी अपॉन डीवाई, नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डीवाई एट वाई इक्वल टू जीरो टू यू अपॉन डेल्टा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, दैट इक्वेशन थ्री दैट इज टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी वाई इन इक्वेशन थ्री वी फाइंड दैट टाउ नॉट इक्वल टू म्यू टू कैपिटल यू अपॉन डेल्टा, टू म्यू कैपिटल यू अपॉन डेल्टा। इक्वेटिंग दैट टू वैल्यूज ऑफ टाउ नॉट इन गिवन इक्वेशन वन एंड फोर, दैट इक्वेशन वन दैट इज ए टाउ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर रो कैपिटल यू स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू वन माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई, एंड इक्वेशन फोर दैट इज टाउ नॉट इक्वल टू म्यू टू म्यू कैपिटल यू अपॉन डेल्टा। दैट इक्वेटिंग द इक्वेशन वन एंड फोर वी फाइंड दैट डेल्टा इंटू डेल्टा 15 म्यू रो कैपिटल यू इंटू इंटू डेल्टा एक्स एज द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, हेंस दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स कैन बी चेंज टू टोटल डेरिवेटिव्स। डेल्टा डी इंटू डेल्टा 15 म्यू अपॉन रो यू इंटू डी एक्स ऑन इंटीग्रेशन वी गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स वी फाइंड दैट दैट हियर द डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। After integrating, we find del square upon 2 equal to 15 mu upon rho u that x that is plus capital C, that is capital C that is constant at x equal to 0, delta equal to 0 and hence C equal to 0. Now, therefore, del square upon 2 is equal to 15 mu x upon rho u. Therefore, delta is equal to 2 into 15 mu x upon rho u, that 30 mu x upon rho u or 5.48 root mu x upon rho u, that equation number 5. We know that Reynolds number rho u x upon mu. After solving, we find that 5.48 x and square root of R E X. In equation 5, mu, rho, and u are constant. Hence, it is clear from the equation that thickness of laminar boundary layer is proportional to the square root of distance from the leading edge. The equation 6A gives the thickness of laminar boundary layer in terms of the Reynolds number, which are asked the value of boundary layer thickness. That is number one. Number two, that shear stress tau naught in terms of Reynolds number. From equation four, tau naught equal to 2 mu u upon delta. Substituting the value of delta from equation six, we find that tau naught equal to 0.365 mu capital U upon x square root of R E X, which is the form of Reynolds number. Now, substituting value equation 3, we get that equation 3 tau naught equal to mu d upon dy at y equal to 0. That the coefficient of coefficient of drag, that is CD FD upon 1 upon 2 rho A capital U square. We know that FD equal to integration of 0 to L tau naught B into dx. Putting the value of tau naught, we find that FD is equal to 0.365 integration of 0 to L mu capital U x square root of rho U x upon mu into B into dx. After solving, we find the value
0.73 बी म्यू कैपिटल यू स्क्वायर रूट ऑफ रो यू कैपिटल एल अपॉन म्यू। नाउ सी डी इज इक्वल टू दैट कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एफ डी अपॉन वन अपॉन टू रो ए यू स्क्वायर, देन सी डी इज इक्वल टू 0.73 बी म्यू कैपिटल यू स्क्वायर रूट ऑफ रो कैपिटल यू एल अपॉन म्यू अपॉन वन अपॉन टू रो ए यू स्क्वायर, वेयर ए एरिया प्लेट लेंथ ऑफ द प्लेट इंटू विड्थ एल इंटू बी। नाउ सी डी इज इक्वल टू 1.46 म्यू अपॉन रो एल यू स्क्वायर रूट ऑफ रो यू एल अपॉन म्यू। आफ्टर सॉल्विंग वी फाइंड दैट 1.46 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर ई एल, दैट इक्वेशन नंबर 8। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ऑल क्वेश्चन टोटली डिपेंड्स ऑन द डेरिवेशन। If we solve the derivation, we can easily can be solved the numericals. So students, it's very important that you should be solve the derivation, try to derive momentum equation 3 to 4 times, and every question totally depends on the derivation. Here we are going to end question. Thank you. Have you a good day.